घर को सुंदर बनाने के लिए महंगे वॉल डेकोर लेना जरूरी है क्या? बिल्कुल भी नहीं। आज मैंने अपने घर के स्टोर से एक पुराना कार्डबोर्ड निकाला और उसी से ये वॉल डेकोर बना लिया। इसको बनाना इतना इजी है कि चुटकियों में बनके तैयार हो जाएगा और इसके लिए बहुत महंगे आर्ट सप्लाईज की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माई चैनल, दिस इज मधु। तो सबसे पहले मैंने जो कार्डबोर्ड निकाला है उसको हम एक सर्किल पीस में कट कर लेंगे। आपको जितना बड़ा भी वॉल डेकोर रखना है आप उतना बड़ा सर्किल यहाँ पर कट कर सकते हैं। अब हमें जरूरत होगी एक वॉलपेपर की, तो यहाँ पर मेरे पास ये वॉलपेपर रखा हुआ था, आज इसी का मैं यूज यहाँ पर करूंगी। कुछ वॉलपेपर स्टिकर की तरह भी आते हैं जिनको ऊपर से रिमूव करके उन्हें स्टिकर की तरह चिपकाया जा सकता है, लेकिन मेरे पास ये नॉन स्टिकी वॉलपेपर है इसलिए मैं यहाँ एडहेसिव का यूज करके इसको चिपकाऊंगी। और आज की इस वीडियो में मेरी क्लिप आपको नहीं दिखेगी, मैं सिर्फ वॉइस ओवर ही कर रही हूँ क्योंकि आज मेरी थोड़ी सी तबीयत खराब है। उम्मीद है आप इसे समझेंगे और बाकी वीडियोस की तरह आप इस वीडियो को भी पूरा प्यार देंगे। जो हमने कार्डबोर्ड का सर्किल कट किया है उसको वॉलपेपर के ऊपर कुछ इस तरह से रख लेंगे और पेंसिल और पेन की हेल्प से हम यहाँ पर थोड़ी सी जगह छोड़ते हुए मार्क कर लेंगे। मार्क करते टाइम परफेक्ट सर्किल बनना जरूरी नहीं है क्योंकि हमें सिर्फ यहाँ से कट ही करना है। और पूरे सर्किल को हमने ड्रॉ कर लिया है और इतना स्पेस हमने यहाँ छोड़ दिया है और इसके बाद सीजर की हेल्प से हम इसे कट कर लेंगे। तो कुछ इस तरह से वॉलपेपर हमारा सर्कल शेप में कट के तैयार है और यहाँ पर कार्डबोर्ड की मैंने 3 पट्टियों को कट किया है और ये आपको आगे पता चलेगा कि हमें इसका यूज कहाँ करना है। इसके बाद में अब हमें वॉलपेपर को नीचे की साइड रखना है और सर्किल को ऊपर रखना है जो हमने कार्डबोर्ड का सर्किल बनाया है। और इसके बाद मैं यहाँ पर चिपकाने के लिए फेविकोल MR का यूज़ कर रही हूँ और उसको पूरे कार्डबोर्ड पर अच्छे से फैला लेंगे। और जब ग्लू अच्छे से पूरे पर लग जाए तो कुछ इस तरह से हम इसे यहाँ पर पलट देंगे और पलटने के बाद इसको प्रेस करके हम अच्छे से चिपका देंगे जैसे कि हमारा ये अपनी जगह पे फिक्स हो जाए और इधर उधर ना हिले। जो मैंने वॉलपेपर लिया है उसकी जगह आप कोई भी वुडन टेक्सचर का वॉलपेपर भी यूज कर सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छा इफेक्ट आता है। और अगर आप वॉलपेपर भी नहीं लेना चाहते हैं तो कोई भी वाइट कलर का पेपर आप इस तरह से यहाँ पर लगा के और उसके ऊपर कलर कर सकते हैं। अब इस तरह से हम यहाँ सीजर की हेल्प से कट लगाते जाएंगे। तो पूरे सर्किल में हमारे कट लग चुके हैं और अब हमें ग्लू लेना है और ग्लू को कुछ इस तरह से यहाँ चिपका के और ऐसे फोल्ड कर देंगे और इसी तरह से बाकी के सारे कट जो हैं उनको हम इसी तरह से फोल्ड करते जाएंगे। तो इसे देखकर आपको समझ में आ ही गया होगा कि हमने इन्हें कट क्यों किया था, और क्योंकि ये बहुत आसानी से हमारे ये पीछे की साइड फोल्ड हो जाते हैं और बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आती है। और अभी हमारा बेस बनके तैयार है और ये कुछ इस तरह से दिख रहा है और बैक साइड में देखिए कितनी अच्छी फिनिशिंग तरीके से ये हमारा चिपक गया है। और इसके बाद अगर आपको और भी फिनिशिंग करनी है तो आप इसके पीछे एक राउंड शेप कट करके कोई पेपर लगा सकते हैं, मैं इसको ऐसे ही छोड़ रही हूँ। और इसके बाद यहाँ पर जो हमने 3 पट्टी कट की थी उनको भी हम वॉलपेपर से इस तरह से कवर कर लेंगे। इनका हमें फ्रंट और बैक पार्ट दोनों अच्छे से कवर करना है जैसे इस तरह से मैंने किया हुआ है, आपको इसी तरह से कर लेना है। अब हमें अपना सर्किल बेस लेना है और इसके बाद जो हमने 3 पट्टियां जो रैप की हैं उनको लेकर और ग्लू गन की हेल्प से इसको चिपका लेंगे। आप चाहें तो फेविकोल की हेल्प से भी चिपका सकते हैं लेकिन ग्लू गन से थोड़ा सा इंस्टेंटली चिपक जाता है इसलिए मैं यहाँ पर ग्लू गन ही यूज करूंगी। और इसी तरह से अपने हिसाब से जैसे भी हमें डिजाइन रखनी है तीनों पट्टियों को चिपका लेंगे। बैक में मैंने चिपकाने के लिए नैनो टेप का यूज किया है क्योंकि इसका जो एडहेसिव है वो काफी ज्यादा स्ट्रांग होता है और ये वॉल पर अच्छे से चिपक जाता है। अब देखिए हमारी जो तीनों जो लिड्स हैं वो लग गई हैं। तो अब आप सोचोगे कि हम कोई सामान रखेंगे तो वो बहुत इजिली गिर भी सकता है, तो इसको थोड़ा सा और भी ज्यादा स्ट्रांग बनाने के लिए मैंने यहाँ पर आइसक्रीम स्टिक ली है। और सबसे पहले हमें एक आइसक्रीम स्टिक के 2 पार्ट कट कर लेने हैं, उसे आप सीजर की हेल्प से भी कर सकते हो। और इसके बाद जो हमारा हाफ पार्ट है इसको हम कुछ इस तरह से यहाँ पर तोड़ देंगे,
लेकिन हमें पूरी तरह से इसको अलग नहीं करना है, हमें यहाँ पर इसको एल शेप देना है, जिससे जो हमारी स्टिक है ना वो आपस में जुड़ी हुई रहेगी, एकदम से वो अलग नहीं होगी। और इसके बाद अब हमें यहाँ पर फेविकॉल का इस्तेमाल करना है। अब हमें यहाँ ग्लू गन नहीं यूज करनी है, फेविकॉल से काफी अच्छा स्ट्रांगली ये चिपक जाता है। तो कुछ इस तरह से हम अपनी स्टिक्स को रख देंगे और दोनों जो हमारी पट्टियां हैं उनमें दो साइड से हम इस तरह से लकड़ी को लगा देंगे। तो इसको और भी ज्यादा मजबूती देने के लिए हम यहाँ पर इन स्टिक्स का यूज कर रहे हैं, जैसे कि हम कोई भी चीज इसके ऊपर रखें तो वो हमारी गिरे नहीं। वैसे तो आपको इसके ऊपर लाइट सी ही चीजें रखनी है, बहुत ज्यादा वेट वाली चीजें नहीं रखनी है, पर हमारा ये काफी स्ट्रांग ये बनके तैयार हो गया है और ये कुछ इस तरह से दिख रहा है। तो पहले तो मैं सोच रही थी कि इसको इसी तरह से छोड़ देती हूँ, लेकिन फिर मुझे लगा कि इसको इसे थोड़ा सा मैच करते हुए इस पर कलर कर देना चाहिए। तो ये टोटली ऑप्शनल है, आप अगर चाहें तो कलर कीजिए, अदरवाइज इसको ऐसे ही रख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर वाइट कलर ले लिया है, थोड़ा सा मैंने ब्लू हल्का सा इसमें ऐड किया है और इसको सारी आइसक्रीम स्टिक्स के ऊपर मैं कलर कर लूँगी। आप यहाँ पर अपनी चॉइस के हिसाब से कलर कर सकते हैं, अगर आपको वाइट अच्छा लगता है तो वाइट कलर कीजिए, अगर ब्लैक करना चाहते हैं या फिर कोई वुडन टेक्सचर देना चाहते हैं तो आप वैसे भी यहाँ पर कर सकते हैं। तो सारी पट्टियों को कलर करने के बाद में हम इसे अच्छे से ड्राई होने के लिए छोड़ देंगे और ये उतना ज़्यादा सूखने में टाइम नहीं लेता है, काफ़ी जल्दी ये सूख जाता है। तो चलो मिलते हैं इसके ड्राई होने के बाद। और अब ये हमारा ड्राई हो गया है और देखो कितना प्यारा ही ये दिख रहा है और कितने आसानी से हमारा ये बन गया और बहुत ज़्यादा इसमें चीज़ें भी हमने यूज़ नहीं की हैं। तो बेसिकली ये वेस्ट मटेरियल से ही हमने बनाया है और जब हम इसे वॉल पे लगाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर ये लगने वाला है। तो इसके पीछे जो हमने नैनो टेप लगाई है उससे हम इसे वॉल पर स्टिक कर लेंगे। और अब बातें तो बहुत हो गई और चलो अब देख लेते हैं इसका फाइनल लुक।